बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने 12वीं कक्षा में प्लांट ग्रोथ ये वाला टॉपिक चल रहा है, पादप वृद्धि। और पादप वृद्धि में बेटा विभिन्न प्रकार के वृद्धि प्रवर्धक हार्मोनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और पिछले वीडियो में आपको मैंने टॉपिक से हटके उसी पादप वृद्धि वाले लेसन में टॉपिक से हटके एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। और कौन सा था बेटा? वो प्रसूक्ति। कि वही प्रसूक्ति क्या होती है, प्रसूक्ति को नष्ट करने वाले कारक कौन से होते हैं, ये सब। ठीक है, तो आज अपन उसी क्रम में प्रसूक्ति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। बोर्ड पे हेडिंग लिख देता हूँ मैं, प्रसूक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आज का अपना इस वीडियो का पहला टॉपिक है, प्रसूक्ति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, तो इसमें अपन प्रसूक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ बहिर्जात और कुछ अंतर्जात कारक प्रसूक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा बेटा कि बीजों की प्रसूक्ति अंतर्जात व बहिर्जात कारकों द्वारा बीजों की प्रसूक्ति अंतर्जात व बहिर्जात कारकों द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है ना, अब इसमें अपन उन कारकों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला कारक जो अपन हेडिंग पढ़ेंगे, कठोर बीजावरण। ठीक है ना, ये अपना फर्स्ट हेडिंग है, प्रसूक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक, कुछ बीजों के बाहर अत्यंत कठोर बीजावरण पाया जाता है। कुछ बीजों के बाहर अत्यंत कठोर बीजावरण पाया जाता है। कुछ बीजों के बाहर अत्यंत कठोर बीजावरण पाया जाता है, यह जल व ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होता है। जल व ऑक्सीजन के प्रति अपारगम्य होता है। किस किस के प्रति अपारगम्य होता है? जल और ऑक्सीजन के। फलस्वरूप बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता, और इसमें यदि अपन एग्जांपल लिखना चाहें बेटा, तो चना मटर के बीज। तो सबसे पहला कारक तो ये है जो प्रसूक्ति को प्रभावित करता है। क्या हेडिंग लिखा है मैंने बोर्ड पे? कठोर बीजावरण। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि कुछ बीजों के बाहर पाया जाने वाला बीजावरण अत्यंत कठोर होता है, वह जल और ऑक्सीजन के लिए अपारगम्य होता है, फलस्वरूप बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। पहला हेडिंग अपन खत्म कर चुके हैं, कौन सा बेटा? कठोर बीजावरण। अब दूसरे हेडिंग पे आ जाइए, उत्तर पक्वन काल नंबर दो। उत्तर पक्वन काल हेडिंग नंबर दूसरा है ये, प्रसूक्ति को प्रभावित करने वाला कारक। कुछ पौधों के बीज कुछ समय
विश्राम अवस्था में रहकर कुछ पौधों के बीज कुछ समय कुछ पौधों के बीज कुछ समय विश्राम अवस्था में रहकर कुछ समय विश्राम अवस्था में रहकर उसके बाद ही अनुकूल परिस्थितियों में उसके बाद ही अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। तो बेटा ये जो बीच का समय आपको दिख रहा है ना, यही उत्तर पक्वन काल कहलाता है। इस विश्राम काल को उत्तर पक्वन काल कहते हैं। इस विश्राम काल को उत्तर पक्वन काल कहते हैं, ठीक है ना। ये उत्तर पक्वन काल की परिभाषा भी हो गई। इस काल के दौरान बीज अंकुरित नहीं होता, इस काल के दौरान बीज अंकुरित नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये आपको इसके अंदर याद करना है। और इसमें अपन क्या कह देंगे, बल्कि अंकुरण की क्षमता अर्जित कर लेता है, बल्कि अंकुरण की क्षमता अर्जित करता है, अंकुरण की क्षमता अर्जित करता है। एग्जाम्पल यदि आप इसमें बोलना चाहें तो दो उदाहरण आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। कौन कौन से बेटा? गेहूं और जौ। तो एक बार आप ध्यान से दोबारा सुन लें, उत्तर पक्वन काल। देखिए क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन, प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक। तो बेटा जो बोर्ड पे मैंने लिखा है इससे स्पष्ट है कि जिन बीजों में उत्तर पक्वन काल अधिक होता है उनमें अंकुरण की क्षमता लेट हो जाती है, पोस्टपोन्ड हो जाती है, क्योंकि उत्तर पक्वन काल में बीज अंकुरण के लिए एक प्रकार से क्षमता अर्जित करता है। तो देखो बेटा क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, ध्यान से सुनो। कुछ पौधों के बीज कुछ समय विश्राम अवस्था में रहकर उसके बाद ही अंकुरित होते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, इस विश्राम काल को उत्तर पक्वन काल कहते हैं। इस काल के दौरान बीज अंकुरित नहीं होता, बल्कि अंकुरण की क्षमता अर्जित करता है। तो क्या एग्जाम्पल इसमें मैंने बोल दिया आपके लिए, गेहूं और जौ, ठीक है बेटा। तो अभी तक अपन प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले दो कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला कारक तो अपन ने पढ़ा था कठोर बीजावरण, और दूसरा अपन ने पढ़ लिया उत्तर पक्वन काल। आइए तीसरे कारक पे, अपरिपक्व भ्रूण, हेडिंग नंबर थर्ड, अपरिपक्व भ्रूण। क्या लिखोगे इसमें आप, कि कुछ पौधों में भ्रूण के पूर्ण परिवर्धन होने से, कुछ पौधों में भ्रूण के पूर्ण परिवर्धन होने से पूर्व, कुछ पौधों में भ्रूण के पूर्ण परिवर्धन होने से पूर्व ही बीज जनक पौधे के फल से अलग हो जाता है, जनक पौधे के फल से अलग हो जाता है।
ठीक है बेटा, आगे चलिए इसी में। जब तक अपरिपक्व भ्रूण का पूरा विकास नहीं होता, अपरिपक्व भ्रूण का पूरा विकास नहीं होता तब तक वह अंकुरित नहीं हो पाता है, तब तक वह अंकुरित नहीं हो पाता है। और वाजिब सी बात है बेटा, जब भ्रूण ही अपरिपक्व है तो बीज का अंकुरण किस प्रकार हो पाएगा? नहीं होगा बेटा। क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें? गिंको बाई लोबा एबमनीटम, ये दो पादपों के नाम लिख दिए। एक तो लिख दिया बेटा मैंने गिंको बाई लोबा और दूसरा पादप का नाम लिख दिया नीटम। इन दोनों के अंदर ऐसी ही सिचुएशन पाई जाती है, अपरिपक्व भ्रूण। तो प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाला कारक नंबर 3। एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए। देखिए बेटा, कुछ पौधों में भ्रूण के पूर्ण परिवर्धन होने से पूर्व ही बीज जनक पौधे के फल से पृथक हो जाता है। तो इसमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक भ्रूण का पूर्ण परिवर्धन नहीं होगा तो आप बताइए वो बीज किस प्रकार अंकुरित हो पाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अपरिपक्व भ्रूण यदि बीज में उपस्थित है तो ऐसे बीजों का अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, वही लिखा है बेटा बोर्ड पे। क्या लिखा है? कि जब तक अपरिपक्व भ्रूण का पूरा विकास नहीं होता है, ठीक है ना, तब तक वह अंकुरित नहीं हो पाता। तो इसके क्या एग्जाम्पल अपन ने लिखे हैं बेटा बोर्ड पे? एक तो लिखा है गिंको बाइलोबा और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने? नीटम। तो अभी तक अपन प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़ चुके हैं। पहला कारक आपने कौन सा पढ़ा? कठोर बीजावरण। दूसरा कारक आपने कौन सा पढ़ा? उत्तर पक्वन काल। तीसरा कारक कौन सा पढ़ा आपने? कारक नंबर 3। तीसरा कारक आपने पढ़ा अपरिपक्व भ्रूण। अब आ जाइए कारक नंबर 4 पे। और कारक नंबर 4 जो आपके सामने बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, हेडिंग नंबर 4, प्रकाश की अवधि। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? कुछ पौधों के बीज प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता और मात्रा। देखिए आप, कुछ पौधों के बीज प्रकाश की अवधि, प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता एवं मात्रा के प्रति अति संवेदी होते हैं। तो ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से पूरा आगे का खेल आपके समझ में आ सकता है। क्या लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे? कि कुछ पौधों के बीज प्रकाश की अवधि, उसकी गुणवत्ता एवं मात्रा के प्रति अति संवेदी होते हैं। ऐसे बीजों को कई बार कंपटीशनों में पूछा जा चुका है आपसे, बोर्ड के एग्जाम में भी 1 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि भाई फोटोब्लास्टिक बीज किन्हें कहते हैं? तो ऐसे बीजों को बोलते हैं जो प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रति अति संवेदी होते हैं। ऐसे बीजों को फोटोब्लास्टिक, नाम याद रखना पड़ेगा, बीज कहते हैं। ठीक है ना, फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। उचित
प्रकाश अवधि के अभाव में उचित प्रकाश अवधि के अभाव में इन बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता, इन बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको इसके अंतर्गत ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप ये पूरी चीज़ ध्यान से दोबारा सुन लीजिए। क्या लिखा है बेटा इसमें मैंने, हेडिंग प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाला कारक नंबर 4। क्या हेडिंग लिखा है मैंने बोर्ड पे, प्रकाश अवधि। ठीक है, क्या बोलोगे इसमें आप ध्यान से देख लें। देखिए, कुछ पौधों के बीज प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता एवं मात्रा के प्रति अति संवेदी होते हैं। ऐसे बीजों को अपन फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे बीजों को, फोटोब्लास्टिक बीज। ठीक है ना। आगे इसमें क्या लिखा है, उचित प्रकाश अवधि के अभाव में इन बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता। और इसमें यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एक तो आप लिख सकते हैं बेटा तंबाकू के पादप का, और दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कैप्सेला का। ठीक है, तो आपको एक नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि फोटोब्लास्टिक बीज किन्हें कहते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या बोलोगे आप, कि कुछ पौधों के बीज प्रकाश की अवधि, गुणवत्ता और मात्रा के प्रति अति संवेदी होते हैं। ऐसे बीजों को फोटोब्लास्टिक बीज कहते हैं। आइए आगे, हेडिंग नंबर 5वां। पांचवा कारक जो प्रसुप्ति को प्रभावित करता है उसका नाम क्या है, तापमान। बीजों के अंकुरण हेतु अनुकूलतम तापमान आवश्यक होता है। बीजों के अंकुरण हेतु अनुकूलतम तापमान आवश्यक होता है। बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान आवश्यक होता है। तापमान की अधिकता अथवा कमी, इसी में कह देते हैं बेटा तापमान की अधिकता या कमी, बीजों के अंकुरण को प्रभावित करती है। तापमान की अधिकता अथवा कमी बीजों के अंकुरण को प्रभावित करती है। अंकुरण से पूर्व कुछ पादपों के बीज अंकुरण से पूर्व कुछ पादपों के बीज ताप अथवा शीत या ताप द्वारा उपचारित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको इस कारक के अंदर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ओक, और दूसरे पादप का नाम मैं लिख रहा हूँ चेरी। ठीक है, तो यहाँ आकर के अपना कारक नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। एक बार आप सभी ध्यानपूर्वक इसको सुन लें, तो प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में कारक नंबर 5 आपके सामने है। कारक का नाम क्या लिखा है अपन ने, तापमान। क्या लिखना पड़ेगा इसमें, बीजों के अंकुरण हेतु अनुकूलतम तापमान आवश्यक होता है। तापमान की अधिकता या कमी बीजों के अंकुरण को प्रभावित करती है। अंकुरण से पूर्व कुछ पादपों के बीजों को शीत अथवा
ताप उपचार द्वारा उपचारित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आपने ओक एवं चेरी दो पादपों के नाम लिखे हैं। अब आ जाइए बेटा प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाला अंतिम कारक, ठीक है ना, और वो नंबर है छठवा, अंकुरण निरोधक नाम से ही पता चल रहा है, अंकुरण निरोधक। ठीक है, देखिए इसमें अपन को क्या लिखना है, वे रासायनिक पदार्थ जो बीजों के अंकुरण का संदमन करते हैं, रोकते हैं, संदमन करते हैं, उन्हें अंकुरण निरोधक कहते हैं, उन्हें अंकुरण निरोधक पदार्थ कहते हैं। तो एक बात तो अपन ने ये पूरी कह दी, क्या बोला है बेटा कि वे रासायनिक पदार्थ जो बीजों के अंकुरण का संदमन करते हैं अंकुरण निरोधक कहलाते हैं। ये प्राय फलों की गूदेदार भित्तियों में पाए जाते हैं, ये पदार्थ प्राय फलों की गूदेदार भित्तियों में पाए जाते हैं, ये पदार्थ प्राय फलों की गूदेदार भित्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जब बीजों को मृदा में डाला जाता है, ठीक है बेटा, तो ये निरोधक पदार्थ धीरे धीरे मृदा जल में निक्षालित हो जाते हैं, तो ये निरोधक पदार्थ धीरे धीरे मृदा जल में निक्षालित हो जाते हैं। निक्षालित होने से मतलब बह जाते हैं जल के साथ में मृदा में, निक्षालित हो जाते हैं, तथा बीजों का अंकुरण हो पाता है, तो एक बार बेटा ये पूरी की पूरी कहानी ध्यान से सुन लें। देखो बेटा, अपन ने हेडिंग लिखा है अंकुरण निरोधक, क्या परिभाषा बोली है मैंने इसकी कि वे रासायनिक पदार्थ जो बीजों के अंकुरण को रोकते हैं उन्हें अंकुरण निरोधक पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ प्राय फलों की गूंदेदार भित्तियों में पाए जाते हैं, जब बीजों को मृदा में डाला जाता है यानी कि बीजों को भूमि में रोपित किया जाता है, तो ये निरोधक पदार्थ धीरे धीरे मृदा जल से निक्षालित हो जाते हैं, मतलब मृदा जल के साथ घुलकर बह जाते हैं, तब कहीं जाकर उनका अंकुरण हो पाता है। ठीक है, तो आपने प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कितने कारकों के बारे में टोटल पढ़ लिया, 6। इसके अलावा आपको कुछ रासायनिक पदार्थों के नाम बताए जा रहे हैं, जैसे काइमेरिन, एक नाम तो क्या लिख दिया मैंने बोर्ड पे, काइमेरिन, चाहे काउमेरिन कह दो, काउमेरिन, पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल, दो हो गए, तीसरा आप लिख दीजिए फेरुलिक अम्ल, ठीक है ना, फेरुलिक अम्ल, उसके अलावा फिनोलिक अम्ल और एब्सिसिक अम्ल, फिनोलिक अम्ल, और एक अपन इसमें कह देते हैं एब्सिसिक अम्ल।
तो बेटा ये पांच रासायनिक पदार्थ मैंने आपके सामने लिख दिए, ये पांचों के पांचों रासायनिक पदार्थ संदमक के रूप में काम करते हैं, यानी कि बीजों के अंकुरण का निरोध करते हैं, अंकुरण निरोधक पदार्थों के समान कार्य करते हैं, ठीक है ना। इन अंकुरण निरोधकों के प्रभाव को जिब्बेरेलिन, इन अंकुरण निरोधकों के प्रभाव को जिब्बेरेलिन हार्मोन के द्वारा रोका जा सकता है। तो बेटा यहां आकर के अपना प्रसुप्ति वाला पूरा खेल समाप्त हो जाता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, यहां से आगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये पाठ आपका लगभग इस वीक के लास्ट तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन फिजियोलॉजी का लेसन लास्ट शुरू करेंगे। धन्यवाद।